नमस्कार दोस्तों, टारगेट है में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से लैब टेक्नीशियन और सोशल वर्कर के लिए इसमें भर्ती विज्ञापन आ चुका है। भारत के सभी स्टेट के कैंडिडेट दोस्तों इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सेंटर गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ में दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल भी में जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन का PDF और अप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आपको डायरेक्टली इंटरव्यू में शामिल होना होगा, इसके लिए आपको अप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। अप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल में आपको जुड़ने के लिए इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन होकर ये नोटिफिकेशन का PDF और अप्लीकेशन फॉर्म ईजी तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की और ये भर्ती विज्ञापन दोस्तों संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायबरेली रोड लखनऊ से जारी किया गया है। SGPGI से दोस्तों भर्ती विज्ञापन जारी हुआ और भर्ती विज्ञापन प्रोजेक्ट बेसिस पे जारी हुआ है। नेशनल हेल्थ मिशन इसको फंडिंग कर रहा है। और बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें पोस्ट की, तो पहला जो पोस्ट है वो देख सकते हैं लैब टेक्नीशियन के लिए रहने वाला है। नंबर ऑफ पोस्ट एक शामिल है और सैलरी आपको 16,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन में दोस्तों इसमें BMLT और DMLT वाले कैंडिडेट दोनों आवेदन कर पाएंगे। साथ में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए और जो कैंडिडेट BMLT वाले हैं उनको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं तो अगला जो पोस्ट है वो सोशल वर्कर के लिए है। इसमें भी दोस्तों एक ही पोस्ट शामिल है, सैलरी सेम आपको मिलने वाली है 16,729 रुपये पर मंथ। और क्वालिफिकेशन में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी या फिर आपके पास सोशियोलॉजी में है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और जिन कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है उनको इसमें प्राथमिकता मिलने वाली है। बात कर लेते हैं आपको इसमें अप्लाई कैसे करना, तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको डायरेक्टली इंटरव्यू में शामिल होना होगा। वैकेंट इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑन 26 सितंबर। 26 सितंबर को दोस्तों आपका इंटरव्यू हो जाएगा और आपको डायरेक्टली इंटरव्यू में शामिल होना होगा। इसके लिए आपको समय और एड्रेस बताया जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी फर्स्ट ब्लॉक SGPGI MS लखनऊ में दोस्तों आपका ये इंटरव्यू होगा। ये आपका एड्रेस रहने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम देख सकते हैं, सुबह 10 से 12 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है। और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 12 बजे तक दोस्तों आपका वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन 12 बजे दोस्तों आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उन्हीं को इंटरव्यू या रिटन एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। और दोस्तों आपको इंटरव्यू में क्या क्या ले जाना है वो देख लेते हैं। दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट लेके जाना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसी PDF पे मिल जाएगा और ये नोटिफिकेशन का PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ में आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपना लेके जाना होगा और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना होगा। और जिस बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों डिग्री या डिप्लोमा वो मार्कशीट आपको लेके जाना होगा और वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे चेक किया जाएगा। और दोस्तों ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे आपको फिल करके वहाँ पे रिपोर्टिंग करना होगा। इसमें सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना होगा सेल्फ अटेस्टेड करके और ये PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, हम हर दिन दोस्तों ऐसी ही जानकारी शेयर करते रहते हैं। थैंक यू सो मच।